झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल वापस लिए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश में कोई भी बिल जनता के हित के लिए लाया जाता है, जबकि केंद्र सरकार ने कुछ कॉरपोरेट घरानों को खुश करने के लिए कृषि बिल लाया था और आज बैकफुट पर चली गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यह बिल सिर्फ विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए वापस लिया है। उन्हें जनता और देश के किसानों से कोई सरोकार नहीं है। साथ ही उन्होंने सीए को लेकर कांग्रेस पार्टी का आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है और साफ कहा है कि आने वाले समय में भी केंद्र सरकार बैकफुट पर जाएगी। किसान क्षेत्र से मतलब रूरल एरिया से आए हुए सांसद है, उनसे पूछा नहीं, तो इस हालत में आपने लॉ पास किए और अंत में देखिए क्या हो गया। एक साल सत्याग्रह चला, 700 किसानों के देहांत भी हो गए इसमें, और इतना त्याग बलिदान के बाद अभी सरकार ने मान लिया कि गलती थी। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की चीज़ इसमें से सरकार को बहुत समझना है। पहली बात है कि आइंदा ऐसे नहीं करें। जब आप बहुत मतलब विप्लव ले आना चाहते हैं तो लोगों के साथ बात करके, उनको समझा के, उनकी राय भी समझ के कोशिश कीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर भाजपा चाहते हैं कि हमारे देश में वो लोग और 2.5 साल अधिकार में रहे सरकार, उसका मतलब है कि वो जाने कि वो जनता के नाम में और जनता के हित में काम करने चाहिए, अपनी ही मर्जी पे नहीं। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी समय की रिपोर्ट।